है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह का टाइम है, 8 बजे हैं सुबह के, 8 साढ़े 8 बजे होंगे। यार मैंने टाइम भी नहीं देखा। अभी जो भी सारा फ़ैन है रूम का, जितना फ़ैन है सारा निकाल देना है हमें, क्योंकि कल ही बोल दिया था उन लोगों ने कि जल्दी जल्दी फ़ैन सारा जो भी है सुबह ही निकाल दीजिएगा, क्योंकि फॉल सीलिंग पहले करेंगे फिर बाद में टाइल्स लगेगा। तो फॉल सीलिंग के लिए फ़ैन जितना भी है रूम का, सारा रूम का फ़ैन मैंने निकाल दिया है, बेडरूम का और असु का रूम और जो हॉल में था वो सारा फ़ैन निकाल दिया है। और यहाँ पे ऐसु बैठ के यहाँ पे जो हॉर्लिक्स है वो पी रही है, तो मैं उसको बुला रहा हूँ, जल्दी आ जा, पंखा बंद हो जाएगा तो बैठ कर, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी वो बोल रही है। फिर वो इलेक्ट्रिशियन बोलेगी नहीं मम्मा आप चले जाओ मैं निकाल दूंगा। तो फाइनली वो रूम का भी, आंसू का रूम जो था बेटा का, वो भी निकाल दिए। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा एसी को कवर कर रहे हैं, क्योंकि सीलिंग का काम और ड्रिलर मशीन लगा के करवाएंगे तो चारों तरफ धूल हो जाएगा। मैंने अभी सर्विसिंग करवाया था तो उसको ढक दिया है मैंने, कवर कर दिया, एक पॉलीथीन था बड़ा वाला। तो यहाँ फिर आ गए मैं पूजा के रूम में, पूजा रूम को खाली करना था क्योंकि उस तरफ का दरवाज़ा तोड़ना था, तो जल्दी जल्दी मैं खाली कर रही थी तभी वो ड्रिलर मशीन से कवर करना भूल गई मैं, जो मंदिर था मेरा, मैं डर के मारे निकाल नहीं पाई अंदर से, इतना साउंड आ रहा था ना, पूरा हिल जा रहा था दीवार पूरा, तो मैं यार गई नहीं बिल्कुल भी अंदर। और फिर ढकना भूल गई, यहाँ फ्रिज को पहले से हम लोग ने ढक दिया था और कवर कर दिया था, जितना बेडशीट है ना सब निकाल के। और किचन का हालत देखिए, वो एक एक टाइल्स निकाले, बट टाइल्स यहाँ सब सारा टूट रहा है, तो मैंने भी छोड़ दिया, बस तोड़ने दो बट अच्छे से निकल जाए। और किचन का सामान मैं कहाँ पे रखी हूँ एक बार नज़र डालिए, जितना बालकनी का जगह था सारा कवर करके यहाँ पे। अचानक से आ गए सुबह सुबह, तो मैं थोड़ा उठने में लेट हो गया, क्योंकि सुबह उठना, रात को लेट सोए थे और थक गई थी बहुत, नहीं उठ पाई सुबह, और सुबह उठ के ही इतना सारा साइड करके रखा है। उन लोग भी थोड़ा हेल्प किए क्योंकि जगह बहुत शॉर्टेज हो रहा था हम लोगों को, बालकनी में सारा चीज़ आ रहा था, तो जैसे तैसे रख दिए। स्टैंड भी निकालना भूल गए, बट साइड का काम नहीं था तो उन लोग कर दिए ही सारा। तो तोड़ते तोड़ते देखिए मंदिर का जो दरवाज़ा है कितना तोड़ दिया है उन लोग, और थोड़ा सा है आधा तोड़ दिया है उन्होंने, उन लोग मिल के ना इतना साउंड हो रहा था, पूरा घर पूरा साउंड आ रहा था चारों तरफ, उधर साउंड आ रहा था ड्रिल मशीन का, इधर साउंड आ रहा था, धड़ाधड़ तोड़ रहे थे, तो थोड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था, चारों तरफ धूल मिट्टी। और हम लोग मास्क पहन के वैसे भी घूम रहे हैं अभी, तो बिना मास्क, और यहाँ पे देखिए यार बेड के ऊपर चढ़ गए हैं सारे, तो मैंने सोचा गया वो बेडशीट तो वैसे भी चला गया, सोफ़ा मैंने ढका नहीं था, फिर याद आया अरे ये सोफ़ा ढकना है, क्योंकि एक तो मेरे सारे चीज़ ब्लैक कलर का मैं लेती हूँ, और उसे ढका नहीं था। फिर दोनों बेडशीट निकाल के मैं उसे ढक रही हूँ, बेटा यहाँ पे हेल्प कर रहा है मेरा, मैंने कहा नहीं जल्दी से इसे ढक दो, क्योंकि ऐसे भी धूल हो रहा है चारों तरफ, धूल मिट्टी उड़ रहा है, पूरा डस्ट इतना उड़ रहा था ना, मतलब सोच नहीं सकते हैं, चारों तरफ एक लेयर हो गया है घर के चारों तरफ। तो मैंने सोचा अभी बैठने के लिए जगह नहीं होगा कहीं भी, तो थोड़ा सा एक एक बेडशीट लेके ढक देते हैं जितना हो सकता है। तो टीपॉय भी मेरा वाइट कलर का था तो उसे भी ढकना पड़ा मुझे, क्योंकि पूरा ऊपर का शीशा और साइड का पूरा वाइट कलर में है, तो उसे ढक के अच्छे से रख दूँ। और वहाँ सूट कर रहा था तो मैं थोड़ा हंस दी कि चलो काम चल रहा है, तो मस्ती मजाक भी तो चलता रहता है। और उसी बीच नीचे जो भाड़ा लेके आते हैं ना ऊपर खड़े होके ये सीलिंग का काम करते हैं, तो वो रेडी हो रहा था। और देखिए बेडरूम का सीलिंग यहाँ तक हो गया है, आज एक दिन में बेडरूम और आंसू का रूम हुआ था मेरे बेटे का रूम का, जो दोनों तरफ का सीलिंग मतलब फिटिंग स्टार्ट हुआ यहाँ पे। तो ये देखिए चारों तरफ ऐसे घूम के ये लगा लिए हैं उन लोग, और ये आंसू का रूम है, यहाँ पे भी सीलिंग का काम हो गया है,
कंटिन्यू चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है। जो उन लोग का फर्स्ट प्रोसेसिंग होता है वो सारा किए, जैसे स्क्रू में ऊपर लगाना है और फिर उसके बाद सारा चीज़ लगाएंगे। और ये फाइनली चिमनी को निकाल के हम लोग ने रख दिया है, क्योंकि और एक होल बनाना था, तो उस तरफ का होल हम लोग बंद करके फिर इस तरफ का होल निकाल देंगे। देखिए गाइस कितना कचरा निकल रहा है, और गॉड मतलब किचन का देखने से ना डर लग रहा था, कहाँ से इतना कचरा और सारा निकाल के फेंको। घर भर पूरा धूल मिट्टी होके हालत ख़राब थी हम लोगों की। और आखिरकार ये पूजा का रूम कंप्लीट हुआ, और जितना भी था सामान हम सारा निकाल है के ले गए। गाइस, अभी जस्ट ख़त्म हुआ काम, तो मैं अभी मार रही हूँ झाड़ू, झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि देखिए कैसे कितना धूल हुआ है घर पूरा, ये सारा अभी निकालना है मुझे। और घर की हालत तो मत पूछिए, जो है आप देख रहे हैं कैसा है, एक बार देख लीजिए कैसा है घर। हालत नहीं है घर की, पूरी तरह से तोड़ फोड़ के काम चला रहे हम लोग। ये कितना धूल है, देखिए डाइनिंग के ऊपर, देखिए कितना धूल। फ्रिज को मैंने ढक दिया था, डाइनिंग टेबल को ढका नहीं मैंने। उसको फिर से क्लीन करके फिर सोच रही हूँ उसको अच्छे से क्लीन करेंगे, बट अभी नहीं करूँगी मैं कुछ भी, ढकने से होता बट मैं भूल गई ढकना। तो जब दीवार तोड़ रहे तो पूरा धूल जम गया है उसके ऊपर। और किचन की हालत कुछ इस तरह से है, तो पूरा हम लोगों ने निकाल दिया है किचन का जो भी था, जो भी प्लेट, जो भी मतलब जो प्लेटफॉर्म था वो सारा हम लोगों ने निकाल दिया। ये देखिए इस तरफ चिमनी भी मैंने निकाल दिया है, चिमनी ऊपर है ये, और एक होल हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे, और ये होल जो था इसको बंद कर देंगे। तो किचन का काम खत्म, तोड़ना फोड़ना सब हो गया। अब कल मिस्त्री आएंगे तो वो सारा पलस्तरा वगैरह जो भी है प्लास्टर करेंगे। और मेरा मंदिर जो है इस तरह से हो गया है, देखिए ऐसे मैंने तोड़ दिया है पूरा इसको। और यहाँ नीचे यहाँ पे मंदिर का जो दरवाजा है वो आ जाएगा डोर, और इस तरफ जो खुला था ये वाला बंद कर देंगे। तो कुछ इस तरह से काम हुआ है। और धूल देखिए किस कैसे जमा है, पूरी तरह से धूल, घर पूरा धूल धूल, मतलब कुछ भी चलने के लिए भी नहीं हो रहा है हम लोगों को। पाँव में लग रहा है कि बालू और मिट्टी लग रहा है ना, ऐसे ही लग रहा है, बट इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक भी दीवार तोड़ो या कुछ भी करो पूरी घर में वो फैल जाता है, उसका जो डस्ट है वो पूरा फैल गया है। तो उसको चलते मैं सिर्फ बेडरूम को ही झाड़ू मारूंगी अभी, क्योंकि बेडरूम में थोड़ा बैठेंगे, क्योंकि चारों तरफ का फैन सुबह निकाल दिए थे। सीलिंग का काम होगा, फॉल्स सीलिंग जो डालेंगे, तो अभी सिर्फ एसी चल रहा है हम लोगों का, और एसी ही लगा के हम लोग बैठेंगे, क्योंकि फैन तो नहीं है, टेबल फैन है एक बड़ा सा, उसको ला के फिर बैठ जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए जो सीलिंग का काम बेडरूम का स्टार्ट हो गया था, मैं सुबह आपको बता रही थी। तो इस तरह से हुआ है, पूरे रूम को ऐसे करते हैं, देखिए ये स्टार्टिंग में ऐसे होता है, तो हम लोगों को भी पता नहीं था, बना रहे तो देख रहे हैं कि हाँ कैसा बन रहा है। तो गाइस ऐसा ही हाल है घर का कुछ, और सिर इतना दर्द दे रहा है मुझे, आज दिन भर बिल्कुल भी रेस्ट नहीं था। और इधर उधर हम लोग काम करो या ना करो देख देख के ही ज़्यादा है, मुझे टेंशन आ रहा है, और बहुत थक गई हूँ आज दिन भर, सोई भी, सोने की तो बात दूर है, बैठी भी नहीं हूँ ठीक से, क्योंकि हर 5 मिनट में कोई बुला रहा है, इधर क्या काम करना है उधर क्या काम करना है। इधर सीलिंग का काम चल रहा था और इधर तोड़फोड़ हो रही थी, क्योंकि ये पूरा निकालने से हम लोग मॉड्यूलर किचन जो बनाएंगे, तो मॉड्यूलर किचन के लिए सारा उन लोगों ने निकाल दिया, जो भी प्लेटफॉर्म मैंने बनाया था पहले से बना था ना उसको सारा निकाल दिया। और इसको एक दिन लगा पूरा आके निकाले सब तोड़ के, जो भी टाइल्स वाइल्स जो भी था सारा निकल गया है, और किचन पूरी तरह से खाली। अब इसमें हम लोग करेंगे मॉड्यूलर किचन, देखते हैं मॉड्यूलर किचन के बाद कैसे दिखता है मेरा किचन। और मंदिर का जो आपको दिखा रही हूँ अभी तोड़ के इसको रखते हैं, इसको डोर लगाएंगे हम लोग, ये भी पलस्तरा होगा। और सोफा का हालत थोड़ा देखिए,
जो भी बेडशीट था मेरा पुराना बेडशीट ये सारा, बट मैं यूज नहीं किया था मैंने इसको, क्योंकि मैं ये बेडशीट ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। थोड़ा सा सिल्की टाइप का है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे कॉटन बेडशीट अच्छे लगते हैं। तो ये सारा जितना भी मैंने खरीदा था ये सारा यूज आ रहा है अभी ढकने के लिए सामान, तो उसको ढक के रखा है। टीपॉय भी मेरा व्हाइट वाला है तो वो भी खराब हो जाएगा, इसलिए उसको भी ढक दिया है। और घर भर सिर्फ प्लाई और सीलिंग का, ये देखिए पूरी घर में आपको यही दिखाई देगा, सीलिंग का सामान, प्लाई और ग्रीन प्लाई बाहर भी है, टाइल्स है, यही दिखाई दे रहा है मेरे घर में, और कुछ भी नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और बेटे का रूम देखने से डर जाओगे आप, वहां भी सीलिंग कर लिए उन लोग, यहाँ पे भी सीलिंग का काम आधा अधूरा हो गया है। तो ये देखिए ये आंसू का रूम था, तो यहाँ पे भी हम लोग सीलिंग करवाए हैं, और इसका एसी को ढके नहीं थे ठीक से, बट मेरा बेडरूम का एसी अच्छे से ढका हुआ था, और शायद हम लोगों ने ढक के थोड़ा छोड़ दिया तो गिर गया है कवर। तो ये भी सीलिंग करने के लिए ये वाला स्टैंड इन लोगों ने बनाया है, तो ये पूरा छत को आराम से आप पहुंच के कर सकते हैं। तो ये इसको बनाने में 1-2 घंटा लग गया, सुबह लेके आए थे उसको बना रहे थे, क्योंकि मेरे पास ये छोटा वाला सीढ़ी है जो मैं यूज करती हूँ घर में, नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक काम के लिए यूज करते हैं। तो ये वाला लगाते लगाते टाइम हो गया, चिमनी यहाँ पे रखा हुआ है। आंसू का बेड देखोगे तो डर जाओगे, बेड में आपको और कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ सामान ही दिखाई देगा। तो बेड के ऊपर ये सारा सामान अभी रखा हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं है, और मतलब क्या प्लेन नहीं है कुछ भी, खाली मिट्टी और धूल रह गया। नीचे का आपको दिखा रही हूँ, देखिए एक बार कैसे दिख रहा है नीचे का। तो गाइस आप लोगों ने देखा कैसा हालत है अभी, कैसी हालत है मेरे घर की, और उसी हालत में आज दिन भर मैंने खाना भी नहीं बनाया, बाहर से ही मंगा के खाए हैं। आज एक दिन उन्होंने सोचा कि नहीं आज मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाई हूँ, आज दिन भर मुझे सुबह से 1 मिनट भी फ्री नहीं मिला, क्योंकि 10 बार कॉल आ रहा है कि ये करना है वो करना है, ये मंगा दिए हैं तो जो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं वो बार बार कॉल कर रहे हैं, जो भी प्लम्बर आ रहा है, फिर ये मिस्त्री वाले आ रहे हैं, प्लाई वाला आ रहा है, सीलिंग वाले आके काम कर रहे हैं, तो चारों तरफ का काम ना इतना हो गया, मुझे बैठने के लिए भी टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा कि नहीं आज घर में तो खाना बना नहीं पाऊंगी मैं, आज बाहर से हम लोग ने मंगा के खाया है, और अभी बचे हैं रात के 8 बज गए हैं, अभी अभी गए उन लोग, तो मैं अभी आपको इसलिए सूट करके दिखा रही हूँ कि क्या क्या काम हुआ है आज एक दिन में। और गंदा और कचरा दिख रहा है घर पूरी तरह से, बट हाँ ये हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा चारों तरफ जब काम खत्म हो जाएगा। टाइम तो लगता है ये सारा चीज, क्योंकि एक बार आप करा लेंगे तो अच्छा लगेगा घर चारों तरफ। देखिए क्या होता है, अभी अभी मैं काम करके ना सच्ची बहुत थक गई हूँ, आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा, थोड़ा डल हो गया है फेस आज दिन भर, और एक ही इसी नाइटी में मैं घूम रही हूँ जो नाइट ड्रेस मैंने पहना है सुबह से ना, मतलब पता नहीं अब मैं क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने, बिल्कुल भी मिरर देखने के लिए भी टाइम नहीं है, उसी तरह मैं सूट कर रही हूँ दिन भर आज। तो गाइस घर की हालत ऐसी है, कब सुधरेगा पता नहीं, ऐसे ही मैं आपको दिखाते जाऊंगी क्या क्या हो रहा है। अभी तो शुरू हुआ है, जस्ट थोड़ा फोड़ना जो भी, इसके बाद अच्छे से काम होगा और आपको मैं सारा शेयर करते जाऊंगी। ओके गाइस बाय, टेक केयर, जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। बाय बाय।